नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपको मेरा ये नया वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ पावर टूल्स मशीन में जो 26 mm हामर ड्रिल होता है उस मशीन के बारे में बताने वाला हूँ। उस मशीन में जितने भी स्पार्ट स्पेयर लगता है वो सारा स्पेयर का नाम, उसका प्राइस कितना प्राइस है मार्केट में, वो सारा चीज़ इस वीडियो में क्लियर करूँगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेरे चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए, क्योंकि पावर टूल्स की मशीन की सारी जानकारी इस चैनल में आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कीजिए। और दोस्तों, हमारा चैनल में ज्वाइन बटन आ चुका है, ज्वाइन कर सकते हो। और आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए कमेंट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है 2-26 mm मशीन का आर्मेचर, जिसका प्राइस आपको मिल जाएगा मार्केट में 550 रुपया। बहुत अच्छा क्वालिटी है, आप खरीद सकते हो। तो दोस्तों, ये है उसका कॉयल, जिसको हम फील्ड कॉयल भी बोलते हैं। ये कपर बाइंडिंग में आ जाएगा, इसका प्राइस आपको 380 रुपया पड़ेगा मार्केट में, तो खरीद सकते हो आप। तो दोस्तों, यह है 2-20 mm का स्विच, जिसका प्राइस आपको मिल जाएगा 250 रुपया। ये 20 mm से थोड़ा बड़ा है, तो आप उसको खरीद सकते हो। दोस्तों, यह है उसका कॉयल का कनेक्टर, जो कॉयल से प्रो शोल्डर के तक कनेक्ट होता है, इसका प्राइस आपको मिल जाएगा 10 रुपया। ये 2 ठो लगता है, तो आप खरीद सकते हो। दोस्तों, यह है उसका नॉब, जो आप मोड चेंज करने के लिए यूज करते हो। हमारी ड्रिलिंग और नॉर्मल मोड में ये चेंज हो सकता है, इसका प्राइस आपको 50 रुपये पड़ जाएगा मार्केट में। दोस्तों, यह है उसका फोल्ड बेयरिंग, जो पिस्टन को ऊपर नीचे करता है, हैमरिंग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। ये ज़्यादातर टूट जाता है, इसका प्राइस आपको 145 रुपये पड़ जाएगा। दोस्तों, ये उसका पिस्टन फिन सेट, जो टूल होल्डर के अंदर लगता है, ये हैमरिंग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये नीचे ऊपर होना चाहिए, तो ये ज़्यादातर ख़राब होता है, इसका प्राइस आपको 150 रुपये पड़ जाएगा। ये है दोस्तों स्मॉल टूल होल्डर, जिसके अंदर पिस्टन फिन सेट लगता है, इसका प्राइस आपको मार्केट में मिल जाएगा 120 रुपये में मिल जाएगा। दोस्तों, ये उसका स्विच एलिमेंट, जिसका प्राइस आपको 80 रुपये पड़ जाएगा। ये नोब के नीचे लगता है, हैमरिंग नॉर्मल मोड को चेंज करने के लिए ये यूज होता है। ये दोस्तों उसका 2/3 शाफ्ट, इसका प्राइस आपको 100 रुपये पड़ जाएगा। इसमें एक बेयरिंग लगता है, अगर आपका ये ख़राब है, नीचे वाला जो घाटी रहता है ये ख़राब होता है ज़्यादातर। ये दोस्तों उसका कॉइल का कनेक्टर, जिसका प्राइस आपको 45 रुपये पड़ जाएगा। ये ब्लैक कलर का 2 पीस लगता है कॉइल में, ये ज़्यादातर जल जाता है तो उसको चेंज करना पड़ता है। ये दोस्तों इंटरमीडिएट फ्लेंज, ये ज़्यादातर टूट जाता है, तो इसमें बहुत सारा चीज़ लगता है, पिस्टन गियर सारा चीज़ इसमें लगता है, तो इसका प्राइस आपको 235 रुपये पड़ जाएगा। दोस्तों, ये 26 mm का प्रोटेक्शन स्लिप, ज़्यादातर मशीन में ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, अगर आपको खरीदना है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इसका प्राइस आपको 120 रुपये पड़ जाएगा। दोस्तों, ये उसका हैमर पिस्टन, जिसका प्राइस आपको 180 रुपये पड़ जाएगा। ये ज़्यादातर मशीन में टूट जाता है, और इसको चेंज करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप खरीद सकते हो। दोस्तों, ये उसका गियर हाउसिंग सेट, इसके अंदर बहुत सारा चीज़ें, मतलब हैमरिंग साइड का जितने भी चीज़ है यहाँ पर है, तो आप इसको यूज कर सकते हो, 1500 रुपये इसका प्राइस है। दोस्तों, ये उसका ब्रो शोल्डर, जिसमें कार्बन भी लगता है, ये हैंडल के पास लगता है, इसमें मोड भी चेंज होता है, तो उसको आप 200 रुपये में खरीद सकते हो। दोस्तों, ये उसका 2/3 शाफ्ट सेट है, इसमें बहुत सारा चीज़ आता है, जैसे कि फोल्ड बेयरिंग, गियर हो गया और कंप्रेसर स्प्रिंग, इसका प्राइस आपको मिल जाएगा 300 से 350 रुपया। दोस्तों, ये उसका कार्बन, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मैक्सिमम मशीन में, ये ख़राब हो जाता है, लोग बोलते हैं आर्मेचर ख़राब है, तो उसको चेंज करने के लिए आपको 23 रुपया देना पड़ेगा। दोस्तों, ये उसका स्ट्राइकर, जिसका प्राइस आपको 120 रुपये पड़ जाएगा। ये सामने वाला और पीछे वाला दोनों तरफ से ख़राब हो जाता है, तो आप उसको खरीदना है तो 120 रुपया देना पड़ेगा। दोस्तों, ये उसका टोल होल्डर, जो कंप्लीट सेट है, इसका प्राइस आपको 350 रुपये पड़ जाएगा। इसके साथ 4 ठो बॉल आएगा और नीचे उसका पिस्टन फिन सेट आ जाएगा। दोस्तों, ये उसका कंप्रेसर फिन, जो गियर के नीचे लगता है और गियर को कंट्रोल करता है, इसका प्राइस आपको 30 रुपये पड़ जाएगा, मार्केट से खरीद सकते हो। दोस्तों, ये उसका गियर, जिसका प्राइस आपको 200 रुपये पड़ जाएगा। ये ज़्यादातर मशीन में बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, अगर आपको खरीदना है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, आप खरीद सकते हो।
फ्रेंड्स, ये उसका नेडल बेयरिंग जो बहुत कम खराब होता है, ये टूल होल्डर के ऊपर लगता है, तो आप उसको खरीद सकते हो। उसका प्राइस आपको 80 रुपया देना पड़ेगा। दोस्तों, इस मशीन में दो बॉल बेयरिंग लगते हैं जिसका नंबर है 609 और 607। 609 ऊपर में लगता है, 607 नीचे लगता है। दोनों बेयरिंग का प्राइस आपको 80 रुपया पड़ जाएगा। दोस्तों, ये उसका ओरिंग जो स्ट्राइकर में लगता है, अगर आपका मशीन में हमरिंग नहीं हो रहा है, मशीन चल रहा है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। इसको चेंज करने के बाद ये हमरिंग होगा, उसका प्राइस आपको 80 रुपये पड़ जाएगा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको पावर टूल्स मशीन में कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर एक वीडियो भी बना सकता हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए। थैंक यू।